हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, जो हम टॉपिक अभी करने वाले हैं वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होता है कस्टम क्लियरेंस का, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए और आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक तरीके से अटेंड कर पाओ, ठीक है ना? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान हम लोगों ने लॉन्च करा है, जिसके तहत आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे जाना है और जाने के बाद कॉमर्स ही पाठशाला सर्च करना है। कॉमर्स ही पाठशाला का जो चैनल है यहाँ पे आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, चाहे वो बी कॉम हो या एम कॉम हो, उसको आपको सेलेक्ट करना है और ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है हमारे एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करना होता है। इसके बेनिफिट्स आप सुन लो, बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको असाइनमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मारपीट नहीं करनी होगी, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी होगी, आपको आसानी से असाइनमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा साथ ही साथ आपको नोट्स अगर आपको चाहिए हमारे पास से, तो वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप उन सबको देख करके अच्छे मार्क्स ला पाओगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से असाइनमेंट चेक करना है, किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है, 24/7 सर्विस जो है आपको हमारे तरफ से मिलेगी, ठीक ना? तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारा प्लेलिस्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सारी की सारी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आपको कॉमर्स की पाठशाला में जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और इग्नू एम कॉम का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिनको देख करके सुन करके आप अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में ला पाओगे, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है ना? तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर क्लियरेंस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सोर्स ऑफ रिवेन्यू, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर क्लियरेंस आर एज फॉलोज, है ना? तो जो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है कस्टम क्लियरेंस का, उसके अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्मगलिंग को चेक करना, कि क्या किसी तरह की स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग का मतलब हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा कि सोने चांदी की स्मगलिंग होती है, लोग चोरी छुपा करके जो है एक जगह से दूसरे जगह तक सोने को लेकर के जाते हैं, है ना? तो उस तरह की स्मगलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसका काम जो है कस्टमर क्लियरेंस का होता है, कस्टम क्लियरेंस का होता है। दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट लॉज इन फोर्स इन इंडिया अमाउंट्स टू स्मगलिंग। तो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंडियन लॉज हैं उनको ध्यान में रख करके नहीं किए गए हैं, या ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका डेटा इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट के पास नहीं है, फिर भी उस सामान की आवाजाही हो रही है, तो उस तरह की चीजों को हम लोग बोलेंगे स्मगलिंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू चेक सच ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस तरह के चीजों के ऊपर नजर रखे और इस तरह की चीजों को चेक करे, है ना? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है स्मगलिंग को चेक करना। उसके बाद का ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलेट ट्रेड को रेगुलेट करना, है ना? ट्रेड को किस तरीके से चलाना है, उनको चलाने का काम, रेगुलेट करने का काम जो है वो कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट का होता है। सो कस्टम क्लियरेंस हेल्प इन रेगुलेटिंग ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। तो हमारी कंट्री की जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज हैं, या भी जो जिस किसी भी कंट्री की जो भी ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज होती हैं, वहां के कस्टम क्लियरेंस का काम होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड को एक तरीके से रेगुलेट करे। वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एग्जिम पॉलिसी as decided by the Ministry of Commerce, ipso facto is in violation under the Customs Act, है ना? तो इसमें अगर आप किसी भी तरह के provision का, किसी भी तरह के rule को अगर आप नहीं मान रहे हो, तो इसको ipso facto का violation माना जाएगा Customs Act के तहत, with regard to various prohibition and restrictions imposed by the government, जिसके कारण से अगर आप नहीं मानते हो तो आपके ऊपर बहुत तरह की prohibitions लगाई जा सकती हैं, बहुत तरह के restrictions लगाई जा सकती हैं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, फलाना चीजें, बहुत सारी चीजें, चीजों के ऊपर आपके ऊपर जो एक तरीके से
तीनों रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एजेंसी फंक्शन। सो टू अंडरटेक एजेंसी फंक्शंस, दैट इज फंक्शंस परफॉर्म्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर एजेंसीज, है ना। तो अदर एजेंसीज के बिहाफ पे भी हमारा कस्टम क्लियरेंस काम कर रहा होता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल में देखो, इट इज द कस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एसरटेन द रिक्वायरमेंट्स इमिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट एक्ट इन फोर्स एंड कंपाइल्ड विद और नॉट, है ना। तो कस्टम डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जिसके हिसाब से आपको जो है काम करने की जरूरत है, तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, कंपाइल्ड वे में सारी की सारी चीज जो है, जो भी फोर्सेज है, वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सबको चेक करने का काम जो है हमारा कस्टम डिपार्टमेंट का होता है। इट मे बी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एक्ट। तो ये तीन एक्ट के बारे में बताया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्ट हैं जिसके तहत कस्टम क्लियरेंस चेक कर रही होती है कि इन सारे एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उन सब का जो है पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है ट्रेड में, है ना। तो ये काम जो है उनका होता है। और चौथा और आखिरी काम होता है कलेक्शन ऑफ ट्रेड डेटा। सो टू कलेक्ट ट्रेड डेटा एंड सबमिट द सेम टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCI कैलकाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच ब्रिंग्स आवर डेटा ट्रेड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर यूज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिसर्च एंड अदर कंसर्न विद द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो यहाँ पे जो है डेटा को कलेक्ट करने का काम भी जो है वो किया जाता है कस्टम्स क्लियरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ये लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये लोग सबमिट करते हैं डायरेक्टर जनरल जो होता है कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स का, जिसे DGCINS जो कि कलकत्ता में है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये डेटा रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा आप देखो ट्रेड इन इंडस्ट्री रिसर्च, अगर आप PhD कर रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। तो ये सारी की सारी टॉपिक्स के ऊपर जो है कलेक्शन डेटा जो है किया जाता है, इन सारी चीजों के लिए डेटा ऑफ कलेक्शन किया जा रहा है, है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा किया जा रहा है, मैं उल्टा बोल गया। So, data is essential to review the past performance and the plan for the future, as well as to know the trends of our trade or unit valuation realization of particular item etc, है ना। तो जो data होता है वो बहुत important होता है आपके past performance को compare करने के लिए आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ। प्रेजेंट परफॉर्मेंस आपका कैसा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या बेहतर करने की आपको जरूरत है, प्लस फ्यूचर में आपका जो प्लान है वो कैसा रहेगा, किस पॉलिसी, किस स्ट्रेटेजी के तहत आप काम करेंगे, ये सारी की सारी जानकारियां जो है एक तरीके से आप इकट्ठा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज यू नो कस्टम क्लियरेंस के डेटा के दम पे। तो डेटा एक तरीके से आपको हेल्प करता है आपके अपने बिजनेस को एक तरीके से ठीक तरीके से चलाने में, है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको कस्टम क्लियरेंस के जो फायदे हैं, है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम क्लियरेंस बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।